In last lectures, we have seen about the historical background of the cells and the cell theory in detail. In this video, we will see an overview of a cell. कि एक animal cell या तो फिर एक plant cell कौन से component से बना है, वो कैसे दिखता है, क्या फर्क है eukaryotic cell में और prokaryotic cell में, वो कौन से organelles है जो eukaryotic cells के पास present है लेकिन prokaryotic cells के पास absent है, वो कौन से ऑर्गेनेल्स है कि जो सिर्फ एनिमल सेल्स के पास प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स के पास अब्सेंट है। सो दिस वीडियो विल हैव द इंफॉर्मेशन ऑन अ ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द सेल्स। इस वीडियो के कनेक्शन में हमको ये भी सोचना होगा कि हमने अब तक क्या सीखा। हमने अब तक ऐसा सीखा कि ईच सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ईच सेल इज बाउंडेड बाय इट्स डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर which is called as plasma membrane or cell membrane. This particular boundary of cell is called as plasma membrane. Or it is also called as cell membrane. Or it is also called as plasmolemma. These structures are defined by a scientist, Schwann. Year tha 1839. हमने already देखा है कि जो outer most boundary है किसी भी cell की उसको हम plasma membrane बोलेंगे या तो फिर cell membrane बोलेंगे या तो फिर plasmolemma बोलेंगे और ये structure Schwann ने हमको define करके दिया था in the year 1838. स्कॉन ने इसके आगे जाके हमको ये भी बताया कि अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में इस बाउंड्री के व्यतिरिक्त भी एक बाउंड्री होगी एंड दैट पर्टिकुलर बाउंड्री इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल वॉल और ये स्ट्रक्चर भी हमको स्कॉन ने डिफाइन कर दिया था। नाउ इतना होने के बाद हमने ये सीखा कि सेल के अंदर इन द ईयर 1831 रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट से जिन्होंने हमको बोला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और जब न्यूक्लियस के बारे में हमको पता चला साइंटिस्ट वॉज रॉबर्ट ब्राउन ईयर था 1831 तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के सेल्स तैयार हो गए कि एक सेल्स इस टाइप के थे कि जिनके पास खुद का न्यूक्लियस ही नहीं है उनको हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे सेल वैसे तैयार हो गए कि जिनके पास खुद का न्यूक्लियस है और सच टाइप ऑफ सेल्स को हमने कहा यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो यूकैरियोटिक सेल है उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है लेकिन ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस दिखता ही नहीं सर उनके पास न्यूक्लियस है कि नहीं है? नहीं, उनके पास न्यूक्लियस है लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है एंड सच टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। So, by definition, prokaryotic cell is a cell which do not have membrane-bound nucleus. And a eukaryotic cell is a cell which is having a membrane-bound nucleus. उसके बाद हमने ये भी देखा कि Purkinjes नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने इन द ईयर 1839 हमको ये बताया कि सेल के अंदर जो कुछ भी जिंदा है दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। दिस इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ लेकिन जैसे ही हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे सेल में बनाई हमारे पास प्रोटोप्लाज्म के दो टुकड़े हो गए। अब ऐसा प्रोटोप्लाज्म की जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है दिस पर्टिकुलर प्रोटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज
cytoplasm by a scientist stars Burger. So Stars Burger ने उस प्रोटोप्लाज्म को जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है उसको नाम दे दिया साइटोप्लाज्म. Now cytoplasm is the main arena of cellular activity, यानी वो main जगह है जहाँ पे cellular activity perform होगी. As we have seen कि cell is a structural and functional unit of the cell, तो function करने के लिए cytoplasm ही वो जगह है जहाँ पे cell अपने different functions perform करेगा. और ऐसा protoplasm जो nuclear membrane के अंदर बच गया, उसको हमने बोला nucleoplasm. और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें हमारा जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. तो सर प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर है. और हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में देयर विल बी ऑलवेज सिंगल नेकेड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम. हमेशा एक ही क्रोमोसोम रहेगा जो सिंगल रहेगा, सर्कुलर रहेगा, दो स्टैंड से बना हुआ रहेगा और नेकेड रहेगा, यानी उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं रहेगा. एंड दैट्स व्हाई वी से कि प्रोकैरियोटिक सेल इज द सेल व्हिच इज हैविंग द न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन. नाउ दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. नाउ अगर साइटोप्लाज्म मेन अरेना है सेलुलर एक्टिविटी का और वहां पे सारी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो फिर साइटोप्लाज्म में एक्टिविटी करेगा कौन? तो साइटोप्लाज्म में एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स है. सर सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल के पास है क्या? नहीं. देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स के भी दो टाइप्स है. सेल ऑर्गेनेल्स के दो टाइप्स है, वन इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरे है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके पास खुद की मेम्ब्रेन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज हैविंग इट्स ओन मेम्ब्रेन, सो दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. Such type of membrane-bound cell organelles are absent in case of prokaryotic cell. तो सर फिर non-membrane-bound cell organelles है क्या? बिल्कुल है जी. Non-membrane-bound cell organelle कौन से हैं सर? तो हमें दो non-membrane-bound cell organelles पे ध्यान देना पड़ेगा. एक है राइबोसोम और you can say it ribosomes. This particular cell organelle is non-membrane bound cell organelle और ये दोनों जगह पे present है. This is the cell organelle which is present in case of eukaryotic cell also and prokaryotic cell also. दोनों जगह पे present है. लेकिन eukaryotic cell का जो ribosome है वो different है और prokaryotic cell का जो ribosomal structure है वो डिफरेंट है. वी हैव अ सेपरेट वीडियो लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि कौन से राइबोसोम कहां कहां किस तरीके से है और वो क्या काम करते हैं, कैसे डिराइव होते हैं. सो दैट इज अनदर टॉपिक. दूसरा जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है वो है सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेल इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल. And this is helpful for cell division.
but it is absent in plant cell. सेंट्रोसोम जो दूसरा सेल ऑर्गेनेल है, इट इज ऑल्सो अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, लेकिन ये सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट है और उस सेल डिवीजन के लिए हमको एनिमल सेल्स को हेल्प करता है, लेकिन ये प्लांट सेल में नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि एनिमल सेल की जो सेल डिवीजन है वो एम्फीएस्ट्रल है और प्लांट सेल की जो सेल डिवीजन है वो नॉन एस्ट्रल है। विल क्लियरिफाई ऑन दिस टॉपिक लेटर ऑन। ओके, सो अभी के लिए हमारे पास दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। वन इज राइबोसोम व्हिच इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन उनका स्ट्रक्चर दोनों जगह पे अलग है। एंड देयर इज अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट इज सेंट्रोसोम व्हिच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल, हेल्पफुल फॉर सेल डिवीजन एंड अब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल। सो फिर क्वेश्चन आता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं। So, membrane bound में भी दो टाइप्स गिरते हैं, वन विच आर हैविंग डबल मेम्ब्रेन एंड वन विच आर हैविंग ओनली द सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। This is very important. इससे NCERT repeatedly question पूछती है और बहुत simple question पूछती है। NCERT इस type का question पूछती है कि which of the following organ is having a double membrane and which is not? So आपको चार option दिए जाएंगे और चार option में से आपको वो organ ढूंढना है जिसके पास एक तो double membrane है या तो फिर नहीं है। So double membrane bound cell organelles कौन से हैं? तो number one we are having nucleus. Number two, we are having mitochondria, which is the powerhouse of the cell. And number three, we are having plastids, which have the example of chloroplast. Which is the kitchen of the cell. Okay, so these three are the double membrane bound structure, and single membrane bound structures are number one endoplasmic reticulum, number two Golgi apparatus, number three we are having lysosomes, which are the suicide bags, and number four we are having vacuoles, and number five we are having microbodies. So these are the cell organelles which are only having a single membrane. इनके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक-एक करके हम सारे organelles को डिटेल में सीखेंगे। लेकिन ये सारे cell organelles जो है वो prokaryotic cell में absent है। Prokaryotic cell और eukaryotic cell में और भी बहुत सारे differences है जो हम लेंगे after completing the prokaryotic cell and eukaryotic cell. आज हमने पूरा ओवरव्यू देखा कि एक यूकैरियोटिक सेल किस तरीके का रहेगा और एक प्रोकैरियोटिक सेल किस तरीके का रहेगा। हमने ये भी देखा कि एनिमल सेल कैसे अलग है और प्लांट सेल कैसे अलग है। लेकिन स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हमसे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करती। एनसीईआरटी प्रिज्यूम करती है कि वी नो द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, लेकिन इस मुकाम पे हमको एनिमल सेल और प्लांट सेल में के चार इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। तो वो कौन से चार इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल? सो एनिमल सेल और प्लांट सेल, देयर आर फोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस। नंबर वन, सेल वॉल अब्सेंट है, यहां सेल वॉल प्रेजेंट है। नंबर टू, सेंट्रीओल प्रेजेंट है, यहां सेंट्रीओल अब्सेंट है, दैट इज सेंट्रोसोम।
centrosome is present, centrosome is absent. We'll come to see this detail. Number three, the animal cell will store the substances in the form of glycogen. The storage substance is glycogen, and here the storage substance is starch. And number four, the vacuoles in animal cells are small and temporary, while in case of plant cells, the vacuoles are large and permanent. So these are the four very important differences which we have to mug it down for NCERT syllabus. ये हमको learn करने ही पड़ेंगे. So this is all about the overview of the cell. In the next topic, overview of the cells में ही हमको cell के shape और sizes के बारे में भी पढ़ना है. So in next video we'll continue with the shapes and size of the cells. Thank you.